हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोड सेफ्टी के बारे में, और वो भी हम जानने वाले हैं एज पर एडनॉक रूल के हिसाब से, यानी कि एडनॉक में रोड सेफ्टी के वक्त कौन से एडनॉक रूल जो है वो फॉलो किए जाते हैं, वो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि एडनॉक रूल के हिसाब से रोड सेफ्टी वहां पर कैसे फॉलो की जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट है स्पीड लिमिट का, यानी कि जो भी स्पीड लिमिट वहां पर है उसी हिसाब से आपको ड्राइविंग करनी है। फिर उसके बाद का सेकंड पॉइंट आता है कि ड्राइविंग के वक्त आपको सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना है और व्हीकल के अंदर में आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। फिर उसके बाद का थर्ड पॉइंट है कि व्हीकल की डेली जो इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है उसको भरना अनिवार्य है। फिर उसके बाद का फोर्थ पॉइंट है कि अगर आपको डेसर्ट में अगर व्हीकल को लेकर जाना है तो आपको फ्लैग पोल लगाना है, उसमें डेसर्ट की होनी चाहिए व्हीकल में और फर्स्ट एड किट भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि व्हीकल के अंदर IVMS होना चाहिए। IVMS यानी कि इन व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम, ये एक GPS ट्रैक सिस्टम है कि जिसकी वजह से व्हीकल की एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है, जिसमें हम जान सकते हैं कि व्हीकल का लोकेशन अभी कहां पर है, ड्राइविंग की स्पीड क्या है, ड्राइवर ने सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है, या फिर व्हीकल ने कहीं पर स्ट्रक किया है क्या, तो वो जो है वो हम IVMS के माध्यम से जान सकते हैं। फिर उसके बाद है कि जर्नी मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, उसके बारे में ड्राइवर को पता होना चाहिए, यानी कि समर में शाम को 8 बजे के बाद और विंटर सीजन में शाम को 7 बजे के बाद जर्नी मैनेजमेंट प्लान ड्राइवर के पास होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद है स्पीड लिमिट एस्फाल्ट रोड पर 100 की होनी चाहिए, 80 की जो है वो स्लोप के ऊपर आप यूज कर सकते हो, टर्निंग के लिए आप 40 की स्पीड इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर गच रोड है वहां पर भी आप 40 की स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हो, और जहां पर सैंड एरिया है वहां पर आप 20 से लेकर 30 की जो स्पीड है वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो स्पीड लिमिट है ये एडनॉक के हिसाब से है। अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहां की जो भी स्पीड लिमिट कंपनी के मुताबिक है या फिर नॉर्म के मुताबिक है तो वो आपको वहां पर फॉलो करनी होती है। अब ये IVMS सिस्टम यानी कि इन व्हीकल मॉनिटर जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है, तो उस मॉनिटर पर हमें रैग रिपोर्ट देखनी होती है। रैग रिपोर्ट यानी कि R स्टैंड फॉर होता है रेड, A स्टैंड फॉर होता है एम्बर, और G स्टैंड फॉर होता है ग्रीन, यानी कि अगर उसमें रेड कलर आता है इसका मतलब ये है कि वो रिजेक्ट है या फिर अनसेफ है। फिर उसके बाद अगर उसमें एम्बर कलर आता है तो वो एवरेज है, उसको ट्रेनिंग की और ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर उसके बाद है कि अगर उसमें ग्रीन कलर आता है तो उसका बिहेवियर अच्छा है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जर्नी मैनेजमेंट प्लान जो है वो 3 फैक्टर की वजह से बनता है। सबसे पहला आता है ड्राइवर, यानी कि ड्राइवर की कॉम्पिटेंसी कैसी है उसके ऊपर वो डिपेंड है। फिर उसके बाद है व्हीकल की कंडीशन के ऊपर, और फिर उसके बाद आता है रोड की कंडीशन के ऊपर। तो इसके बेसिस के ऊपर, इन 3 फैक्टर्स के ऊपर जर्नी मैनेजमेंट प्लान जो है वो बनता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है ड्राइवर के मेडिकल रिपोर्ट के बारे में, यानी कि ड्राइवर की अगर एज 40 से कम है तो 3 साल में उसका मेडिकल होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि ड्राइवर की अगर एज 40 से लेकर 50 के बीच में है तो 2 साल में उसका मेडिकल होना चाहिए, और अगर उसकी एज 50 के ऊपर है तो हर साल में उसका मेडिकल होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद का पॉइंट आता है फॉग लेवल का, यानी कि 100 मीटर तक अगर रास्ता क्लियर है वो भी फॉग की वजह से तो आप व्हीकल चला सकते हो, लेकिन 100 मीटर से कम अगर विजिबिलिटी है वो भी फॉग की वजह से तो आपको वहां पर ड्राइविंग नहीं करनी है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये एडनॉक में रोड सेफ्टी के लिए फॉलो किए जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा रोड सेफ्टी के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।